गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गड्ढा बना हुआ और गाइस पहुंच चुके हैं घर पे अपने। आज तो व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी सारे काम थे तो हम वो कर नहीं पाए, तो उस चक्कर में हमने व्लॉग शूट नहीं करा। बट फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे अच्छे से यार। ठीक है अपना घर और जो भी काम है सामने को दिखाता हूँ। ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। ट्रैक्टर सामने काम कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं काम, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। काम कर रहे हैं वहाँ पे सान वहाँ पर देखो सान वगैरह सुन रही हूँ तो सान सान है ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे। गर्मी लग नहीं रही हमको, इस तरह दिल्ली में था तो अच्छा लग रहा है देख के और व्यू काफ़ी अच्छा है, हम इसे देख सकते हैं। और अभी घर लॉक हो रखा हमारा, ये पीछे जो घर है ये लास्ट वाला, ये हमारा घर है। अभी लॉक हो रखा, चाबी इसकी पापा के पास है। अब अभी आ रहे हैं क्योंकि ट्रक जो चल रहा था वो पीछे चल रहा था। अब आएंगे तो फिर लॉक खोलेंगे, फिर हम एंटर करेंगे घर में। अब सो गाइस घर का गेट खुल चुका है, मौसा जी आ चुके हैं जो देहरादून रहते हैं, उन्होंने गेट की खोला उन्होंने और चाबी उनके पास थी, मुझे लगा पापा के पास है। और ये जो फर्स्ट कमरा है ये मेरा है, बाकी अंदर आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो ठीक है ये स्टेयर है मेरे टेरेस की और ये बाथरूम है और एक कमरा है और ये मेन डोर है। गाइस दिस इज आवर हाउस और न्यू होम एंड दीपाली चाय देते हुए, दीपाली चाय दे रही है। मैं चाय नहीं पीती, चाय पीती नहीं पर दे रही है। और घर की एंट्री है मेन और ये अपना ड्राइंग रूम है और ये मेरा मेन कमरा जो है ये मेरा है। ठीक है और एक कमरा इधर है, ये शायद बिपिन का कमरा है, नहीं नहीं चेक करता हूँ। मतलब यहाँ पे अलमीरा है तो ये पापा मम्मी कमरा है, दादी मुआयना लेते हुए घर का। और एक कमरा कैसे ये है शायद बिपिन का होगा। और ये हमारा किचन है तो घर सारा यही है और टेरेस दिखाऊंगा को बाद में। अपना ये होम स्वीट होम अपना यही है देहरादून में। हाँ तो गाइस नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और अभी काम चल रहा है, ट्रक अनलोड हो रहा है, आधा सामान निकल चुका है और आधा आधा निकलने का बाकी है अभी। तो अभी काम चल रहा है और थोड़ा गला बैठ गया मेरा यार, काफ़ी कल से काफ़ी हल्ला मचा के और काम करके पूरा गला बैठ गया है। बट कोई नहीं वो ठीक हो जाएगा। और अभी तो यही फ़िलहाल जो अपडेट जो है यही है कि ट्रक अनलोड हो रहा है, आधा सामान निकल चुका है, आधा अंदर चला जा चुका है और थोड़ा जो बचा है वो मेन मेन सामान वो पीछे है वो निकलेगा। अभी स्कूटी निकल चुकी है अभी अपनी आप देखते हो तो। और बाकी अपडेट यही है गाइस कि देखते हैं भी क्या होता है। फ्रिज सामान सारा निकाल दिया, अनबॉक्स कर दिया हमने। दिस अभी नया फ्रिज फ्रेश पीस है गाइस, अब इसको निकालेंगे और ये इसको ऑन कर दिया मैंने और बाकी ये सब निकालेंगे। तो इस तरह न्यू फ्रिज दिखता है हमारा, ओल्ड वाला मेरा रूम पर चला गया और ये नया ही काम करते करते शाम हो गई और शाम होते होते रात हो गई है। सो गाइस काम करते करते रात हो गई है और व्लॉग मैं कम ही शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि काम में बहुत सारे कर गए तो मैं उसके बीच में व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैसेज हो जाएगा और मैं कुछ काम भूल जाऊँगा, तो इसलिए मैं व्लॉग कम कर रहा हूँ।
बट जितना भी आपको मैं दिखा रहा हूँ आप लोग देखें, आज जो काम हुआ घर में, सारे पंखे लग गए हैं, लाइटें लगी हैं, कुछ लाइटें लगी हैं, कुछ आनी है, वो हम कल परचेस करेंगे। और फैंस जितने भी थे सब लग गए हैं सभी कमरों में, और जो सामान आया था दिल्ली से उनको हम एक एक करके अनबॉक्स कर रहे हैं और सब जगह लगा रहे हैं। टीवी फिट हो गया और फैंस लग चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पर लाइट नहीं है, एक फैन यहाँ पर लगा है और एक फैन यहाँ पर लगा है और एक फैन यहाँ पर लगा है और एक बाहर बाल्टी लगा है। तो इस तरह फैन लग चुके हैं और फ्रिज हमने लगा दिया था दिन में, क्योंकि पानी चाहिए था ठंडा, और उस चक्कर में मेरा गला बैठ गया। कल हमने काफ़ी सारा सामान ऊपर से नीचे शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद फिर हमने ट्रक में लोड किया और ठंडा ठंडा पानी पीते हुए और धूप में काम करते करते पूरा गला बैठ गया मेरा। कोई नहीं, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, गाइज आज सेकेंड डे है यहाँ पे हमारा देहरादून में, और कल हम गए थे हमारे नियर बाय उस स्टेशन में जो कि यहाँ का जो पटेल नगर है वहाँ पे थाना है, और वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे हमने बोला उनको कि सर हम दिल्ली से आए हैं और हम क्या क्या रूल्स फॉलो करें आप बताइए हमें। तो उन्होंने कहा कि आप होम क्वारंटाइन हो जाएं घर पे 14 डेज़ के लिए। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सेकंड डे और अभी उठ ही रहा हूँ मैं, और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, किसी ने खेत में धान बोया है और बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब यहाँ की ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सब अगल बगल में ग्रीन ग्रीन है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, और वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बट ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला, कुछ दिन बाद मैं दिल्ली वापस चले जाऊँगा और सेम डे और सेम लाइफ जो चल रहा है वही देखूँगा रोज़। बट अभी कुछ दिन आपकी फ़ील ले सकते हैं हम, ठीक है, तो आपको भी वो फील हम कराएंगे। सो गाइस, व्लॉग को सिंपल एंड शॉर्ट रखते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें, क्योंकि मैं दिल्ली से सोते हुए आया था और थक गया था काफ़ी, क्योंकि हमने काफ़ी सामान नीचे घर से निकाला और फिर ट्रक में लूट गया और काफ़ी और काम भी हम कर रहे थे, तो इसलिए बहुत थकान हो गई थी मुझे, तो उस कारण मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया। सब जब मैं यहाँ देहरादून पहुँचने लगा तब मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया नेक्स्ट डे से, तो कल मॉर्निंग से। तो व्लॉग को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं गाइस, ताकि आप लोग भी मज़ा आए, फालतू उसमें बोरियत वाली कोई चीज़ ना हो। सो गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।